सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विंडोज 10 में बैटरी सेवर मोड कैसे ऑन करते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। विंडोज 10 पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, बैटरी सेवर मोड ऑन करने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहां सर्च ऑप्शन मिलता है हमें। ठीक है, इसमें हमको टाइप करना है बैटरी सेवर सेटिंग। तो जब आप बैटरी सेवर सेटिंग यहां टाइप करेंगे तो ऊपर देखिए बैटरी सेवर सेटिंग का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए तो बैटरी का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहां पर आपको जो है कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां पर ये रहा हमारा बैटरी सेवर का ऑप्शन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम यहां से ऑन कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टू गेट मोर फ्रॉम योर बैटरी व्हेन इट्स रनिंग लो लिमिट नोटिफिकेशन एंड बैकग्राउंड एक्टिविटी। यानी कि जब इसको ऑन कर देंगे तो जो नोटिफिकेशन उसको लिमिट कर देगा और जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको भी लिमिट कर देता है। ठीक है, मतलब काम की चीज चलाएगा बाकी चीज को रोक देगा। तो यहां पर देखिए ऑन हो गया। अब यहां पर आप तय कर सकते हैं कि कितनी परसेंट बैटरी के बाद ये जो है वो मतलब ऑन हो जाए। तो इसके ड्रॉपडाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ऑलवेज, जो आप डिसाइड करेंगे उतने के बाद ये बैटरी सेवर जो है अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 40 पर डिसाइड कर दिया, आप ऑलवेज भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस वाइल इन बैटरी सेवर। अब इस ऑप्शन को चेकआउट करना है या नहीं आपकी मर्जी है। इसको चेक करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन की जो लाइट है वो स्लो हो जाएगी, डिम हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि ब्राइटनेस डिम हो जाती है क्योंकि बैटरी सेवर मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, मैं तो इसको हटा के ही रखता हूं, आपकी मर्जी है बाकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैटरी सेवर मोड जो है वो ऑन कर सकते हैं विंडोज 10 में।